वेलकम टू रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त भारती कपूर। दोस्तों, अगर जज्बा हो तो मुश्किल से मुश्किल काम को भी अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका शरीर आपका साथ दे। लेकिन अगर एक कदम आगे बढ़ाने से पहले 100 बार सोचना पड़े तो बात गंभीर है। आर्थराइटिस की वजह से लोग असहाय हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं पूरी ज़िंदगी दर्द के साथ काटने के लिए। लेकिन अब एक ऐसी उम्मीद है जो ना तो केवल आपके दर्द में आपका साथ देगी, बल्कि आपको आपके दर्द से मुक्ति भी दिलाएगी। और उस उम्मीद का नाम है देश के नंबर वन लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर वन लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियां और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए वरदान साबित हुआ है। डॉक्टर साहब, वंस अगेन वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, बात करते हैं आर्थराइटिस के बारे में, लेकिन एक छोटे से दर्द को भी आर्थराइटिस का एक सिम्टम माना जा सकता है। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, क्या हमारा शरीर हमें चेतावनी देता है कि हमें आर्थराइटिस होने वाला है? यस, एब्सोल्युटली भारती, देखिए बहुत से साइंस होता है हमारा शरीर जो देता है चेतावनी कि हमें जाग जाना चाहिए, हमें समझ जाना चाहिए कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि कुछ लोगों के घुटने के अंदरूनी हिस्से में ये वाला हिस्सा है, वहाँ पर दर्द होता है। क्या आप में से किसी को ऐसा दर्द हुआ है तो ये आपके लिए पहली चेतावनी है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आपकी तरफ आ रहा है। थोड़ा घुटना हिला कर देखिए, थोड़ी मूवमेंट कीजिए, कि आलती पालती मारने में थोड़ी परेशानी होती है, कि आप चेयर पर बैठना पसंद करते हैं, फर्श पर नहीं बैठ पाते, ये बिगिनिंग के साइंस होते हैं। इसके अलावा अगर आपने ये नोटिस किया कि सीढ़ी चढ़ते हुए आपको प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है किसी भी हिस्से में घुटने के, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के निशान है। और जहाँ तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सवाल है, उसके अंदर आपके शरीर में अकड़न आती है, आप थक जाते हैं, आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता, हल्का सा बुखार भी हो सकता है, कुछ जैसे हमने बताया स्किन के नीचे गांठें सी भी बन सकती हैं, और ओवरऑल ऐसा लगता है जैसे कि आप बीमार हैं जी। तो ये सारी चीज़ें आपको सिग्नल्स देते हैं जी। और इसके अलावा हम हमेशा बताते हैं कि जैसे कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स में आपको दर्द ज़्यादा रहता है जो आर्थराइटिस पेशेंट है, सर्दियों में ही क्यों होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता है या गर्मियां होती हैं, जैसे शरीर गर्म होता है, जैसे मूवमेंट स्टार्ट होती है, वहाँ सर्कुलेशन थोड़ी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक ऑटोम्यून प्रोसेस है। तो जब हमारी बॉडी नाइट में रिकवर कर रही होती है, उसी टाइम पर वो डैमेज भी हो रहा होता है और उसकी वजह से हम अकड़न महसूस करते हैं। और जैसे ठंड बढ़ती है तो वहाँ पे सर्कुलेशन के भी इश्यूज आते हैं, और ये हमारे ओवरऑल मेटाबॉलिज्म से भी रिलेटेड है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स थिंग है। इसलिए सर्दियों के अंदर जहाँ सर्कुलेशन कम होती है वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। और आप नोटिस करेंगे कि अगर और काफ़ी सारे पेशेंट्स बताते हैं कि अगर उसमें हीट अगर देते हैं तो उनको तो काफ़ी आराम मिलता है। तो ये स्पेसिफिकली आपकी सर्कुलेशन और आपके मेटाबॉलिज्म से भी रिलेटेड है जी। हीट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हमारे पहले कॉलर जी, बिल्कुल। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम फरजाना है और मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। जी फरजाना जी, डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ हैं, अपना सवाल पूछिए प्लीज। सर, मेरी समस्या ये है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेरे दोनों घुटनों में 6 महीने से दर्द है, पर डॉक्टर ने मुझे ये सलाह दी है कि वेट कम करो तो दर्द ठीक हो जाएगा। तो बट लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या मुझे अर्थराइटिस है या, और अगर है तो क्या आपकी दवाई मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी? वेल फरजाना जी, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है, और ज़्यादातर लोग इस मिसकंसेप्शन या कन्फ्यूजन के अंदर रहते हैं कि वज़न ज़्यादा होने की वजह से जो लोड पड़ता है घुटने के ऊपर, उसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाती है। लेकिन ये एक रिज़ल्ट है, ये रीज़न नहीं है। और रीज़न आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि जो घुटने के जो सामने जो या उसके ऊपर जो मसल होती है, जिसको हम क्वाड्रिसेप कहते हैं, वो कमज़ोर हो जाती है, जो कि सपोर्ट देती है जॉइंट को, उसके अंदर प्रॉब्लम आई है। तो आप क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग अगर करेंगे किसी जिम में जाके, या हल्की सी उठक बैठक भी करेंगे, उससे एक तो आपको आराम मिलेगा, नंबर वन। ये जो साइंस आप घुटने के बता रहे हैं, ये डेफिनेटली ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण हैं।
इससे लगता है कि आपको अर्थराइटिस होनी शुरू हो गई है, तो इस स्टेज पे हमारी अभी दवा नहीं कह सकते इसको, एक फूड सप्लीमेंट कहेंगे, अर्थराइट प्लस लीजिए और आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपको आराम मिलेगा और आपके जो जो डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं वो रिवर्स होने शुरू होंगे। लेकिन एक साथ एक चीज और बताना चाहूंगा कि वजन कम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन वजन कम करके आपकी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी क्योंकि वो कंटिन्यू करेगी, इसलिए आपको क्वाड्रिसेप्स यानी कि जो थाई की जो मसल्स हैं सामने वाली उनको स्ट्रेंथन करना, उनको स्ट्रांग बनाना भी बहुत जरूरी है, यानी कि वेट लॉस, मसल की स्ट्रेंथनिंग और आर्थराइट प्लस। जी फरजाना जी, आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे, एक्सरसाइज को इंक्लूड करना पड़ेगा और आर्थराइट प्लस आपके लिए है ही, उसका फायदा आप जरूर उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब, ऐसा मिसकंसेप्शन बहुत से लोगों में होता है कि वेट इशू है जिसकी वजह से हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है। एब्सोल्युटली, वो प्रॉब्लम मसल की वीकनेस है रादर देन जॉइंट की प्रॉब्लम, और वो रिजल्ट आता है कि आपके जॉइंट के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस होना शुरू हो जाता है, उसमें रगड़ पड़ती है, अगर मसल को स्ट्रांग बना लें और ऑफ कोर्स उसको रीजनरेट करें तो ये सारी चीज़ें रिवर्स की जा सकती हैं। लेकिन आर्थराइटिस में वेट लॉस का कितना इंपॉर्टेंस है? वेल इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो वेट पड़ तो रहा है लेकिन अगर आप वेट लॉस करेंगे या वेट लूज करेंगे उससे आपके डायबिटीज़ का भी खतरा हट जाता है, उससे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स का खतरा हट जाता है, आपके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम का खतरा हट जाता है, तो वेट लूज करना इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये वेट लूज भी कर लेंगे तो भी इनकी आर्थराइटिस ठीक नहीं होगी। और यही मेरा पर्पज़ है समझाने का कि वेट लॉस इंपॉर्टेंट है लेकिन वेट लूज करके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जी, और जैसे आपने कुछ एक्सरसाइजेज भी बताए थे इनको, इसके बारे में बात करेंगे हमारे अगले कॉलर। जी जी, हेलो जी। हेलो जी, हाय, वेलकम टू आवर शो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रोहन मैम। रोहन, और मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी जी रोहन जी, डॉक्टर गौरव शर्मा आपको सुन सकते हैं, आप अपना सवाल कीजिए। जी जी रोहन जी, बताइए। या बेसिकली आई एम अ सीए जी, एंड माय जॉब इज लाइक प्रीटी बोरिंग, द 9-to-5 जॉब, एंड व्हाट हैज हैपेंड इज आई एम अ डायबिटिक, लेकिन कई लाइक 2-3 वीक्स बैक आई गॉट अ पेन इन माय इनर लोअर नी, आई डिडंट लाइक टेक एनी प्रिकॉशंस अबाउट इट एंड द पेन इज स्टार्टेड गेटिंग मोर, सो व्हाट माय फ्रेंड टीजिंगली टोल्ड मी दैट यू प्रोबब्ली गॉट आर्थराइटिस और समथिंग, सो आई डिडंट टेक यू नो प्रिकॉशंस, बट देन नाउ इट्स बीन लाइक 4-5 डेज नाउ एंड माय पेन इज रियली इंक्रीज, सो आई वेंट टू अ डॉक्टर and they have detected arthritis. Okay. And so that's like put me, you know, in deep trouble and now pain is becoming more serious. So another friend of mine who watches your show on diabetes, he told me like there is some doctor, the same doctor is doing something about arthritis. जी डॉक्टर साहब, सीए हैं और कहते हैं जॉब भी बहुत बोरिंग है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनका बैठने का ही ज्यादा काम होगा, तो अभी इनको जो पेन हो गया है और इनके फ्रेंड्स इनको बता रहे हैं कि आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वेल क्योंकि कंफर्मेशन आ गई है, डायग्नोसिस लग गया है कि आर्थराइटिस है, तो सिंपल है, सिर्फ आर्थराइट प्लस शुरू लेना शुरू कीजिए और ग्रेट रिजल्ट्स आएंगे, पेन भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, स्वेलिंग में भी इंप्रूवमेंट आएगी, रेंज ऑफ मोशन यानी कि जॉइंट की मूवमेंट में भी इंप्रूवमेंट आएगी। बहुत ही सिंपल केस है, इनको सिर्फ आर्थराइट प्लस लेने की जरूरत है क्योंकि शुरुआती स्टेट है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और इसके अलावा क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग कर सकें, अगर थोड़ी एक्सरसाइज कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी रोहन जी, प्रॉब्लम गंभीर है लेकिन जी इज दिस मेडिसिन हाउ डू आई टेक इट, इज इट पिल्स और इज इट लाइक ओरल टू ड्रिंक, या क्या करना पड़ेगा? रोहन जी, ये बड़ी सिंपल फॉर्म के अंदर है, आप सिर्फ 2 कैप्सूल सुबह लीजिए, 2 शाम को लीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई परहेज नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट यूज इट एंड यू वुड सी द रिजल्ट्स फॉलोइंग। ठीक है डॉक्टर, and is it available in Bombay, like how do I get? Well, you would have to talk to our team, आप हमारी टीम से बात कीजिए और वहां पर वो आपको डिलीवर करा देंगे आपके एड्रेस तक बॉम्बे में, और साथ साथ जो भी सपोर्ट चाहिए होगा वो आपको सपोर्ट भी दिया जाएगा। जी रोहन जी, आपकी प्रॉब्लम बड़ी है लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। प्रॉब्लम बहुत छोटी है इनकी, इनकी प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन ऑफ कोर्स उससे भी सिंपल है। जी आप जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको भी कंफर्मेशन मिल चुकी है कि आप आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, फौरन हमारे नंबर पे हमें फोन कीजिए, हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं।
जी डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि अभी रोहन ने बताया कि वो सीए है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैठने का काम होता है, तो क्या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज? लाइफस्टाइल इशू, यहाँ पे स्ट्रेचिंग नहीं, यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग का काम है बेसिकली। तो स्ट्रेंथनिंग जिसको हम अगर आप जिम में जाते हैं तो वहाँ पे लेग एक्सटेंशन की एक मशीन होती है, वहाँ लेग प्रेस की मशीन होती है, उस मशीन पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या उठक बैठक कर सकते हैं। यानी कि एक स्पेसिफिक चीज़ बताना चाहूँगा कि इमेजिन कीजिए कि आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं और उसको सिर्फ टच कीजिए फिर खड़े हो जाइए, टच कीजिए फिर खड़े हो जाइए, सिर्फ इतनी एक्सरसाइज कर लें तो उसमें थोड़ा सा जो क्वाड्रिसेप है उसकी थोड़ी स्ट्रेंथनिंग होगी। ये घर पे आप बैठ के कर सकते हो। क्या आपने करना शुरू कर दिया वहाँ पे? मैं देख रहा हूँ कुछ लोग कर रहे हैं, कोशिश करिए, इससे आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। और साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्थराइट प्लस लीजिए, 99% वही सॉर्ट आउट कर देगी। हफ्ते में कितनी बार एक्सरसाइज करना चाहिए, दिन में कितने घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए? वेल, एक दो एक्सरसाइजेस हम अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहेंगे, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो अगर टेलीविजन देख रहे हैं, जैसे अभी मुझे देख रहे हैं, तो अपनी जो थाई है उसको टाइट कर सकते हैं। यानी कि या एक एक्सरसाइज है, इमेजिन कीजिए कि आपकी हील यानी कि आपके जो एड़ी है उसके नीचे आपने कोई चीज़ रखी हुई है और उसको आप कुचलने की कोशिश कर रहे हैं जोर लगा के, तो उससे क्या होता है कि आपकी थाई जो होती है फ्रंट वाली साइड टाइट हो जाती है, वो भी एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। विद दिस वी हैव आवर नेक्स्ट कॉलर। जी जी, हेलो। हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम जोसेफ है, मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। जी जोसेफ जी, डॉक्टर गौरव शर्मा आपको सुन सकते हैं, अपना सवाल कीजिए। जी एक्चुअली ना मेरे को काफी यंग एज से शराब की आदत है और अभी मेरी एज 40 है और फिलहाल मेरे को एल्बोज में काफी दर्द होता है। तो मेरे को किसी ने, मेरे फ्रेंड ने ही कहा था कि ज्यादा शराब पीने से भी आपके एल्बो या जोड़ों में दर्द हो सकता है, एर्थराइटिस। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे इस चीज का डर है कि मुझे एर्थराइटिस तो नहीं है, तो इसका कोई इलाज संभव है? जोसेफ जी, ज़्यादा शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ये आई थिंक सो बोतल पर भी लिखा होता होगा आई गेस। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी आर्थराइटिक चेंजेस लग रहे हैं, कि आपके एल्बो के अंदर चेंजेस हैं या दर्द है, तो आप एक हड्डियों के डॉक्टर यानी कि ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट कीजिए। और अगर वो कहते हैं कि जी आर्थराइटिस है, तो सिर्फ उस स्टेज के अंदर आप आर्थराइट प्लस लीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वो कहते हैं कि कोई और कंडीशन है जिसमें आपके लिगामेंट का कोई और इशू है, तो उसके अंदर और दूसरी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन स्टिल उसमें फ़ायदा करेगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जितनी जल्दी आप शराब छोड़ देंगे, उतनी ही जल्दी आपकी ज़िंदगी पटरी पर चढ़ जाएगी और आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। तो पहले शराब छोड़िए और उसके बाद एक डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। आर्थराइटिस निकलता है तो आर्थराइट प्लस लीजिए। ओके जी जोसेफ जी, आप उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि बोला कि शराब की आदत है, तो मेरा भी यही क्वेश्चन है, क्या शराब से आर्थराइटिस हो सकती है? वेल, उससे नहीं हो सकती, लेकिन हम एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते। शराब से आपको डायबिटीज होगी, शराब से आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, शराब से आपके लिवर को डैमेज मिलेगा जो कि बहुत ही डेंजरस है, और उसके अलावा आपके शरीर में पूरे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं जो आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। तो स्पेसिफिकली एक जॉइंट के अंदर जिसको एल्बो हम कह रहे हैं, वहाँ पर चांसेस कम हैं, हो सकता है पूरे शरीर के अंदर ज्यादा ओवरऑल डैमेज हो जाए, उसके चांसेस ज्यादा है। जी, अगली कॉलर हमारे साथ है। हेलो 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 जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, कौन बात कर रहे हैं? जी नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। जी 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 तिवारी जी, उम्र 48 साल है। जी जी हेलो जी, हाँ जी भोलानाथ जी, बताइए बताइए। हाँ जी डॉक्टर साहब, जब मेरे हाथों और पैरों में जोड़ है उससे कट कट की आवाज आती है। अच्छा, और जैसे मैं पलती मार के बैठा हुआ हूँ और उठकर खड़ा होता हूँ ना, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। अच्छा जी, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या सहयोग हो सकता है? तो भोलानाथ जी, आपको क्या इधर उधर जाने में भी परेशानी होती है, सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ने में परेशानी होती है? जी, और चढ़ते हैं तो भी जोड़ों में बहुत दर्द होता है, घुटनों में बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। और उसके अलावा आप प्रोफेशनली काम कर पा रहे हैं, इसमें परेशानी तो नहीं आती है आपको? काम करने की क्षमता तो नहीं कम हो गई आपकी? नहीं नहीं, काम तो करता ही हूँ, कैसे भी जैसे भी करना है, लेकिन जब भी वही उठता बैठता हूँ तो मुझे तकलीफ तो होती है सब। अच्छा, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल एज के चलते हुए आपकी ये प्रॉब्लम आई है, जिसको हम कहते हैं पहले लक्षण हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। तो आप आर्थराइट प्लस लेना शुरू कीजिए और इसको 3 महीने का कोर्स कीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा और आगे आपकी लाइफ भी बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगी, आप उठ बैठ भी सकेंगे और अपने दूसरे काम भी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। जी 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 जी, थैंक यू डॉक्टर, आराम हो जाए तो बहुत, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।
जी भोलानाथ जी, अगर आप हमारा शो भी देखते रहेंगे तो आपको ऐसे बहुत टिप्स मिलेंगे जो आपकी आर्थराइटिस में ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। दोस्तों, अगर आप भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, दर्द को फेस कर रहे हैं, तो अब भी फ़ोन उठाइए और हमें फ़ोन कीजिए। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि डायग्नोज कैसे किया जाता है। वेल, जैसे कि मैंने बताया कि आरए फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिससे पता चलता है, लेकिन ज़्यादातर एक स्ट्रॉन्ग क्लिनिशियन, कोई भी क्लिनिशियन है, वो आपको स्पेसिफिकली बता देगा कि ये एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण है। लेकिन उसकी ट्रीटमेंट जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, जिसको हम DMRDs की बात करते हैं, जो करीब 6 महीने में काम करना शुरू करती है और आपकी अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस करना शुरू करती है, यानी उसको कमज़ोर बनाने की कोशिश करती है। और मेरे हिसाब से टोटली गलत ट्रीटमेंट है। हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जहाँ पर हमारी बॉडी किसी पार्ट को या किसी सेल को फौरन मान के उसको, या मतलब कि बाहर का मान के उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय कर रही है, उस कंडीशन के अंदर हमें वो रिकग्निशन फैक्टर लेकर आना। और रिकग्निशन फैक्टर के लिए हमने इसी के अंदर प्रोबायोटिक्स लेकर आए हैं कि आपकी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए। तो अगर आप जो अवेलेबल मेथड्स और जो ट्रीटमेंट्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, इसलिए हमने अर्थराइट प्लस को डेवलप किया। और हाँ, एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर को कि उनके जो दर्द जो है वो बहुत सताता है, बहुत तंग करता है। और मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग, आप लोग जो देख रहे हैं, तो आप हर एक इंसान ने दर्द महसूस किया है। शारीरिक दर्द बहुत ही परेशान कर देता है, और उस समय एक गोली मिल जाए जो हमें आराम दे सके वो बहुत ही फ़ायदा पहुँचाती है। लेकिन वो गोलियाँ साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आती हैं, और क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर ज़्यादा लें तो नुकसान भी बहुत पहुँचाती हैं। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से लोग, यानी कि अगर हमारे माता पिता को दर्द है तो हमारे तो हम भी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि कोई ऐसा सलूशन दिखाइए। तो एक परेशान आदमी की प्रार्थना और उसके साथ परेशान होने वाले इंसान की प्रार्थना जब ईश्वर तक जाती है, तो ईश्वर मेरे जैसे छोटे और तुच्छ लोगों को इतना ज्ञान देते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आप कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए जो उनकी ज़िंदगी के अंदर एक चमत्कारिक रिस्पॉन्स लेके आए, उनकी ज़िंदगी बदल दे। और एग्जैक्टली इसी तरीके से, इसी मेथड से अर्थराइट प्लस का जन्म हुआ है। इसके अंदर मेरा कोई खास रोल नहीं है, करने वाला ईश्वर है, मैं एक जरिया हूँ। वेरी वेल सेड डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स इसका बहुत फायदा उठाएंगे, एंड दैट्स सच अ फैंटास्टिक एंड अ गुड न्यूज़ कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच भारती, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का हमारा एपिसोड जरूर फायदा पहुंचाएगा। आप हमें इस शो के बाद भी फोन कर सकते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा और उनकी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें लिख भी सकते हैं। हमारा पता है 100/28 सूरजमल मार्केट, रजापुर, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारे फोन नंबर्स हैं 01141774177 +919711777254 +919711777259। हमारा ईमेल एड्रेस है info@drgwellness.in, drgwellness@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.drgwellness.in। दोस्तों, हमें पूरी आशा है कि आपको आज का ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा और आप हमारे टिप्स का यूज अपनी लाइफ में करेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर गौरव शर्मा आपको पर्सनली आपके शहर में आकर विजिट करें, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। जी हाँ, आपको सिर्फ एक बार प्यार से उन्हें अपने शहर में बुलाना है, एंड ही विल बी राइट देयर। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं भारती कपूर आपसे आज्ञा चाहती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।